मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने छोड़ दिया है कांग्रेस को। बता दें बड़ी खबर इस वक्त की है, कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को भेजा इस्तीफा, बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बता रहे हैं। मध्य प्रदेश को इस वक्त की कांग्रेस पार्टी में बड़ा झटका लगा है। तो पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता विधायक पूर्व विधायक बड़े चेहरे धीरे धीरे करके कांग्रेस को छोड़ते जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी जो है वो संगठित क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कमी रह रही है, क्या नेतृत्व की कमी रह रही है, वजह क्या है, ये सवाल बनना लाजमी हो गया है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चाहे वो आनंद शर्मा हो, चाहे और बड़े नेता हो, इनका पार्टी से जाना, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, इस तरीके से अगर जाना पार्टी से एक एक करके बड़े चेहरे को छोड़ना, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस में हो क्या रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया, इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ जानकारी, क्या वजह? देखिए, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व विधायक हैं और टीकमगढ़ जिले के प्रभारी भी अरुणोदय चौबे रहे हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार से अरुणोदय चौबे ने यह आरोप लगाया था कि उनके उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर जो बेवजह केस लादे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हैं और पार्टी के जो नेता हैं वो भी उनका साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि अगर किसी भी प्रकार के कोई केस प्रशासन शासन की तरफ से नेताओं पे लादे जाते हैं तो उन केस को जो है पार्टी लड़ेगी, पार्टी उनका साथ देगी। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो एक दिग्गज नेता है जो काफी परेशान हो चुके हैं, तकरीबन उनके बेटे बहू और जो उनकी धर्मपत्नी है उन पर भी जो है केस प्रशासन की तरफ से लाद दिए गए। अब ऐसी स्थिति में उनके सामने कोई और स्थिति परिस्थितियां नजर नहीं आ रही थी, जिसके बाद अरुणोदय चौबे ने अपने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और इसकी जानकारी भी हालांकि अरुणोदय चौबे ने पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को दी थी, लेकिन इस पूरे मामले पर किसी प्रकार को कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा निर्णय जो है अरुणोदय चौबे को अब लेना पड़ा। कुलभूषण, एक सवाल कांग्रेस से एक ये आप खड़ी हो जा रहे, पिछले कुछ दिन से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े नेताओं को छोड़ना का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो निकली, दूसरी तरफ पार्टी के लोग खिसक रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जहाँ राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर की यह पूरी यात्रा निकाली जा रही है, उस बीच लगातार जो है कांग्रेस पार्टी से दिग्गज नेताओं का जो इस्तीफे का सिलसिला है वो भी जारी है। यहाँ पर अभी अगर हम बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो इसके पहले भी कई जिले के अध्यक्षों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, लेकिन अरुणोदय चौबे, क्योंकि सागर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सागर से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे कांग्रेस की अगर हम सागर जिले की बात करें, क्योंकि इसके पहले भी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, गोविंद सिंह राजपूत ने, चलिए कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।